देखिए दोस्तों, अगर हमें अपने कंप्यूटर की या लैपटॉप की डेट चेंज करनी है या टाइम चेंज करना है, सेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले राइट में, राइट के नीचे वाले कॉर्नर में आपको यहाँ पे टाइमिंग और डेट दिखा रहा है, तो उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पे चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये वाला टैब ओपन हो जाएगा, उस पर चेंज डेट एंड टाइम ऐसा एक दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। अभी देखिए, ये अक्टूबर 2017 और 5 तारीख आज की है। अगर आज समझो 6 है, तो 6 पे क्लिक कर लीजिए, ओके कर दीजिए, तो आज का हो जाएगा। अगर समझो हमें ये मंथ चेंज करना है, अक्टूबर की जगह नवंबर या उसके आगे पीछे कुछ भी, तो इस टैब पे क्लिक करके हम वहाँ पे जा सकते हैं। अगर बहुत दूर जाना है, बहुत आगे पीछे जाना है, तो इस अक्टूबर के ऊपर क्लिक कीजिए, तो इस साल के पूरे महीने आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जनवरी टू दिसंबर। अगर समझो हमें साल ही चेंज करना है, तो वो ये 2017 पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे ये पूरे साल दिखाई देंगे आपको, 2009 से 2020 तक। अगर समझो इससे ही आगे अगर जाना है आपको, तो उस पर क्लिक कीजिए, तो ये 10 10 साल का आपको ये पूरा 2099 तक दिखाई देगा, जिस साल के आप सेट करना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सामने टाइम है, तो जितना अभी 4 बजे है, तो यहाँ पे 2 की जगह हमें 4 डालना होगा, सॉरी 1 4, जो भी अभी बजे है वो, ये जो है ये घंटा है और ये मिनट है और ये सेकंड है, AM PM आप जानते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से हमें सेट करना है और ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे अपनी वो तारीख सेट हो जाएगी। और टाइम जोन जो हमारा है इंडिया का, वो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली का है। उस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये बहुत सारे पर्याय आपको दिखाई देंगे, उसमें से हमें चेन्नई कोलकाता वाला सेट करके रखना है और इसको ओके करना है, इससे अपना टाइम और डेट अप टू डेट हो जाएगा।